नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, आज हमारे पास यह टाटा सुपर एस मॉडल का गाड़ी आया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सुपर एस लिखा हुआ है। दोस्तों, इसके फ्रंट सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा आवाज़ है। जब गाड़ी गड्ढे में जाता है तो खटखट का आवाज़ बहुत तेज़ आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने चक्का निकाला हुआ है और इसके सस्पेंशन को चेक किया तो सस्पेंशन का बूश खराब हो चुका है। तो अब हम इसके सस्पेंशन को खोलने वाले हैं। तो यहाँ से हमने कैलिपर असेंबली खोल लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं लोअर कैंची का बूश एकदम से कट गया है। ये बूश बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर हो रहा है, इसी वजह से खट खट का आवाज़ आ रहा था। और दोस्तों, एक बूश यहाँ लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये वाला भी बूश बिल्कुल कट चुका है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका सस्पेंशन कैसे खुलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ चेचिस में जैक लगा लेना है और एक जैक यहाँ कैंची के नीचे लगाना है। तो दोस्तों, यहाँ हमने ड्रम को निकाल लिया है और अभी थायराइड गोली को खोल रहे हैं, इसे भी खोल कर निकाल देंगे। अब दोस्तों, साकर के दोनों बोल्ट को खोल लेंगे। तो यहाँ हम ऐसे दोनों साकर के बोल्ट को खोल लेंगे। बोल्ट खोलने के बाद इसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ हमने जैक डाउन रखा हुआ है। तो ऐसे हम दोनों बोल्ट को निकाल लेंगे। अब दोस्तों, लोअर बाल ज्वाइंट को खोलेंगे। तो यहाँ से कटर पिन को निकाल देंगे। और इसके नट को खोल देंगे। तो दोस्तों, यहाँ ऐसे हमें इस नट को खोल लेना है। तो यहाँ हमारा ये नट खुल चुका है। अब दोस्तों, हम इसके कैंची पे छोड़ देंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये स्पंडल हमारा निकल चुका है। अब दोस्तों, यहाँ लोअर कैंची का ये जो बूश है इसके नीचे वाले नट को खोल देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने नीचे वाला नट खोल लिया है। और दोस्तों, यहाँ इस नट को खोल लिए हैं। अब दोस्तों, यहाँ ये जो चार बोल्ट लगे हुए हैं इसे भी हमें खोलना होगा। तो इन चारों बोल्ट को हम खोल लेंगे। तो यहाँ जल्दी से हम चारों बोल्ट खोल कर निकाल लेते हैं। और दोस्तों, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम निकाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये ब्रैकेट निकल जाएगा। थोड़ा अंदर दिक्कत होगा लेकिन ये ब्रैकेट निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये निकल गया। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं हमने नीचे जैक लगाया हुआ है, जैक को निकालना नहीं है। अब हमें जैक को डाउन करना है। और जब हम जैक डाउन करेंगे तो कैंची नीचे होगा और ये पूरा स्प्रिंग हमारा बाहर आ जाएगा। ऐसे हमारा ये कैंची फ्री हो गया।
अब जब ये कैची फ्री हो जाएगा तो इसके बोल्ट को हम निकाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैची हमारा बाहर निकल गया। तो दोस्तों इसका ये जो बूस है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये आप देख सकते हैं जहाँ ये बूस लगता है ये पूरा टूट चुका है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसका बूस कैसे निकलता है और कैसे बैठाया जाता है। और दोस्तों इसके बाएं तरफ के भी सस्पेंशन को हम खोल लेंगे, जैसे हमने दाहिने तरफ के खोले हैं उसी तरह इधर का भी खुल जाएगा। तो अब ये जो ब्रैकेट है इसे ही खोल के हम पूरा बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे हमें पूरे ब्रैकेट को खोल कर बाहर निकाल लेना है। चलो तो दोस्तों ये ब्रैकेट हमारा पूरा बाहर निकल गया। दोस्तों अभी चारों बोल्ट को खोलकर इस कैची को हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये नया वाला बूस है, तो ये आप देख सकते हैं 1048 रुपये इसकी MRP है। ये दोस्तों ओरिजिनल बूस है। तो ये आप देख सकते हैं ये चार बूस हमें कैची में बैठवाना है। तो ये दोनों कैची हम यहाँ खराब मशीन पर लाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसी मशीन से ये बूस बैठेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बूस कैसे निकल रहा है। चारों बूस को ऐसे निकाल देंगे। अरे बैठावे क्या हो? ये बूस निकल गया। तो आप देख सकते हैं खराद पे कैसे बूस को निकाला जाता है और फिर इसको कैसे बैठाएंगे, अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो दोस्तों दोनों बूस निकल चुके हैं कैची के, अभी दो बूस और निकालना है। तो दोस्तों अब यहाँ आप देख सकते हैं बूस को कैसे बैठाएंगे। तो यहाँ इस प्रेस मशीन की मदद से इस बूस को बैठाएंगे। दोस्तों सस्पेंशन बूस इसी तरह बैठाया जाता है। इस मशीन की सहायता से बूस बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कैसे इस बूस को बैठाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ हमने बूस को बैठवा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं इस कैची में दोनों बूस बैठ गए हैं। इसमें उल्टा सीधा कैची होता है, तो ये कैची इस तरफ का है, दाहिने साइड का। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमने बाएं तरफ के सस्पेंशन को फिट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसको लगा लिया है। तो अब मैं आपको दाहिने तरफ का सस्पेंशन फिट करके दिखाने वाला हूँ, इसे कैसे आप आसानी से फिट कर सकते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ जो ये स्प्रिंग यहाँ बैठता है इसे अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी लगा हुआ है, इसे अच्छे से साफ कर लेना है। ये हमारा अच्छे से साफ हो चुका है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ऐसे स्प्रिंग को यहाँ लगाना है। दोस्तों ये इसका कॉइल पैड है। तो यहाँ सबसे पहले हम इस कैंची को इस तरह बोल्ट लगाकर नीचे कर देंगे। अब यहाँ दोस्तों हमें स्प्रिंग का सेंटर लेना है यहाँ ऐसे, और इस कॉइल पैड को बैठा देंगे ऊपर यहाँ ऐसे, हमें स्प्रिंग को रखना है। और इसे हमें आहिस्ते आहिस्ते बैठा लेना है। दोस्तों ये स्प्रिंग जाकर अपने घाट में बैठ जाएगा। इस तरह बैठाने के बाद अब इसके नीचे हम जैक लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे हमें जैक लगाना है। अब धीरे धीरे जैक को टाइट करेंगे और ये स्प्रिंग बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा ये स्प्रिंग बैठ चुका है। अब दोस्तों हम इसके स्पंडल को लगाएंगे। तो यहाँ जल्दी से इस स्पंडल को लगा लेते हैं। ये दोस्तों हमने इसके नट को टाइट कर लिया है। अब इस स्पंडल को साकर में लगाएंगे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला नट, इसमें एडजस्टर होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ घाट बना हुआ है, इससे हमारा चक्का अंदर बाहर होता है। तो इसे जब हम निकाल रहे थे तो इस पर हमने पहले निशान लगा लिया, तो उसी निशान के हिसाब से इसको रखेंगे। दोस्तों अब इस स्पंडल को हम यहाँ साकर में लगा रहे हैं। तो यहाँ ऐसे हम बोल्ट को लगाएंगे। दोस्तों नीचे वाला बोल्ट जो है प्लेन होता है, तो यहाँ इसे ऐसे पहले नीचे वाला लगा लेंगे। अब जो एडजस्टिंग वाला बोल्ट है उसे ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ सेंटर मिलाने के बाद इस बोल्ट को लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमने इस बोल्ट पे तीर का निशान बनाया हुआ है, जिससे कि हमारा सेंटर आउट ना हो। और थोड़ा बहुत सेंटर बूसिंग होने के बाद कंप्यूटर अलाइनमेंट कर लिया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं तीर का निशान हमने ऊपर रखा हुआ है। अब इन दोनों बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे। तो यहाँ हमारा साकर का दोनों बोल्ट टाइट हो चुका है और थायराइड गोली का भी नट हमने टाइट कर लिया है। अब दोस्तों हमें इस ब्रैकेट को लगाना है। तो इस ब्रैकेट को लगाने से पहले हम जैक को निकाल देंगे। यहाँ इस ब्रैकेट में एक ऊपर वाशर ये रखना है, ये ऊपर ही रहेगा। तो ब्रैकेट लगाने से पहले इस जैक को हमें निकाल लेना है। पकड़ा थोड़ा सा।
अब इस ब्रैकेट को लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट को लगाएंगे। दोस्तों यहाँ ऊपर ज़्यादा जगह है नहीं, इसे ऐसे ही लगाना होगा और एक स्पाइनर की मदद से हम इसको बैठा लेंगे। थोड़ा सा आगे पीछे करने के बाद ये ब्रैकेट, ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ब्रैकेट बैठ गया। अब इसके चारों बोल्ट को लगाकर हम टाइट कर लेंगे। यहाँ सेंटर मिलाकर चारों बोल्ट को हम अच्छे से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ हमने चारों बोल्ट को टाइट कर लिया है। अब इस नीचे वाले ब्रैकेट को लगाएंगे। तो यहाँ इस ब्रैकेट को हम लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ ऐसे हमारा ब्रैकेट लग जाएगा। अब इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा सस्पेंशन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अभी हमने एक बोल्ट टाइट नहीं किए हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये वाला बोल्ट एकदम आखिरी में टाइट करेंगे। इसको दोनों तरफ के सस्पेंशन को नीचे रखना है, जैक नहीं लगाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों सस्पेंशन हमारा नीचे है, सभी बोल्ट कस दिए हैं, केवल एक बोल्ट को हमने छोड़ा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो बोल्ट है हमने अभी टाइट नहीं किया है, इसे सबसे आखिरी में टाइट करना है, तभी हमारा जो ये बूस है अच्छे से सस्पेंशन करेगा। अब इस बोल्ट को भी हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमने ड्रम को फिट कर लिया है, कैलिपर फ्रेम को भी हमने लगा लिया है, ये हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ये वाला बोल्ट भी हमने अच्छे से टाइट कर दिया है, और यहाँ ये जो बोल्ट है ये भी टाइट हो चुका है। दोस्तों आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।